जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम जिशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील्स। तो ईबे ड्रॉप शिपिंग का हमारे पास लेक्चर नंबर 5 प्रोडक्ट रिसर्च का पार्ट नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने प्रोडक्ट को रिसर्च किस तरह से करना है यूजिंग टूल। हम यहाँ पे कीपा का टूल्स यूज़ करेंगे ताकि हम थोड़ी सी चीज़ों को यहाँ पे ऑटोमेट कर सकें। हम यहाँ से सारी चीज़ें जो है अमेजोन से सर्च करेंगे, और यहाँ पे हमने यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ ड्रॉप शिपर जो सप्लायर्स हैं जहाँ से आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं वो हमने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए हैं। वन बाई वन आप सबको यहाँ से देख के जो भी आपको प्रॉफिटेबल आइटम लगती है वो आपने सर्च कर लेनी है, और उसको आपने यहाँ पे अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करते जाना है अपने प्रॉफिट मार्जिन के साथ। आज की वीडियो में बेसिकली हमने ड्रॉप शिपिंग के लिए जो हॉट सेलिंग आइटम्स है वो हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम एक टूल यूज़ करेंगे कीपा, जो कि काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आपको जो टूल्स प्रोवाइडर हैं वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले कीपा का जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होगी उसके ऊपर आना है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है डेटा के ऊपर, उसके बाद आपने यहाँ पे प्रीमियम डेटा एक्सेस इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और उसके बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फिल्टर्स हैं वो देख लेने हैं कि हमने कौन कौन से इनके जो फिल्टर्स हैं वो लगाने हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी शीट के ऊपर कि ये वाला सबसे पहले अमेजोन खुद इसके ऊपर आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए ताकि हमें पैकेजिंग का इशू नहीं आना चाहिए, और उसके बाद जो अमेजोन FBA सेलर हैं वो भी आउट ऑफ स्टॉक होने चाहिए ताकि हमें पैकेजिंग का इशू और अमेजोन का बॉक्स जो है वो भी ना आए, हमारे कस्टमर को इशू नहीं होना चाहिए, नेगेटिव फीडबैक को भी हमने सिक्योर रखना है। और उसके बाद बाय बॉक्स थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए, अमेजोन के पास नहीं होना चाहिए, अमेजोन खुद उस आइटम को सोल्ड नहीं कर रहा होना चाहिए। और उसके बाद मी टू होने चाहिए, मिनिमम 3 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं, क्योंकि हम ईबे टू अमेजोन कर रहे हैं। ये हमें इंडिकेट करेगा कि ये वाला जो सेलर है ये अलाउ कर रहा है ड्रॉप शिपिंग, आप इसकी आइटम जो है वो रीसेल कर सकते हैं। और उसके बाद हमने एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर जाना है ताकि हम ज़्यादा प्रोडक्ट को इवेल्युएट करके ऑप्टिमाइज जो हमारे पास रिजल्ट होगा हम उसके तक पहुंच पाएं। और उसके बाद नो डिजिटल आइटम, तो हमने कोई भी डिजिटल आइटम सोल्ड नहीं करने। अमेजोन ऑफर, अमेजोन ऑफर्स का क्या मतलब है, आपके अक्सर एक क्यूरी रहती है कि हमारे ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, ऑर्डर कैंसिलेशन का काफी इशू आ रहा है। सम टाइम अमेजोन जो है खुद प्रमोशन लगा रहा होता है कि लाइक अगर हमारी एक प्राइस 15.99 की है तो अमेजोन की ऑफर उस पर चल रही होती है 12.99 करके। तो आपने कोई भी ऐसी आइटम हंट नहीं करनी जिसके ऊपर कोई ऑफर चल रही हो, ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, वो बाद में ये प्राइस जो है इसके मुताबिक हो जाती है तो आपका सारा प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका करके काफी जो अमेजोन के सेलर हैं वो भी ऑर्डर को जो है वो कैंसिल कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है, चीजें जो है वो लॉस पे चल रही होती हैं, तो इसलिए आपके ऑर्डर कैंसिलेशन के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। अब मार्केट को हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, हमने कुछ फिल्टर लगाने हैं जो कि हमें ये इंडिकेट कर रहे होंगे कि ये वाले जो आइटम्स है अवेलेबल है या नहीं, इसको हम मी टू कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहला हमारा जो फिल्टर होगा वो अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, अमेजोन को हमने यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, ये वाला हमारा फिल्टर हो गया। और उसके बाद जितने भी लोग FBA कर रहे हैं हमने उनको भी आउट ऑफ स्टॉक करना है, तो यहाँ से हमारे FBA के जो सेलर हैं वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो गए। और उसके बाद हमारा जो थर्ड होगा बाय बॉक्स किसके पास होना चाहिए, बाय बॉक्स हमेशा थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए, तो हमें कोई पैकेजिंग का इशू ना आए, तो आपने यहाँ पे अमेजोन को यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना, और उसके बाद आल के ऊपर भी आपने नहीं करना, यहाँ पे आपने थर्ड पार्टी के ऊपर सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे नीचे आए मी टू, हमने यहाँ पे मी टू भी बता दिया कि मिनिमम इतने होने चाहिए और मैक्सिमम इतने होने चाहिए। और उसके बाद अगर हम नीचे आए तो हमने अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल एफ करके आपने अपनी कैटेगरी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि जो भी आपकी फेवरेट कैटेगरी है। तो यहाँ से जैसे जैसे हम फिल्टर लगाते जा रहे हैं तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो टोटली ऑप्टिमाइज होती जा रही हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे नो डिजिटल आइटम, डिजिटल आइटम को चेक ऑफ कर लेना है। और उसके बाद लास्ट हमारा जो अमेजोन की ऑफर चल रही होती हैं इसको आपने यहाँ पे रिमूव कर लेना है, जो प्राइस डिस्काउंटेड की ऑफर होगी वो आपने यहाँ पे चेक ऑफ कर लेना है। तो हमारे पास जो टोटल ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट्स हैं वो तकरीबन 4000 के अराउंड अबाउट हैं, तो आपने यहाँ पे फाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से सारी जो आइटम्स हैं वो ओपन हो चुकी हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक अमेजोन का लोगो शो होगा, और उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें आपको एक ईबे का भी लोगो शो होगा कि ये वाली जो आइटम्स है ईबे के ऊपर भी अवेलेबल है और ये वाली आइटम्स अमेजोन के ऊपर भी अवेलेबल है। तो आपने सबसे पहले यही आइटम्स को ईबे के ऊपर देख लेना है कि ये वाली आइटम्स ईबे के ऊपर अवेलेबल है या नहीं, देन आपने उसको अमेजोन के ऊपर सर्च करना है। सबसे पहले वो आपने आइटम्स ईबे से वेरीफाई करनी है कि वो आइटम्स
ईबे के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए, ये वाली आइटम्स ईबे के ऊपर अवेलेबल है। तो आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपकी आपको यहाँ पे इनकी 1000 के हिसाब से आइटम्स ओपन हो जाएंगी। अगर हम यहाँ पे इस वाली आइटम्स को ईबे के ऊपर देख लें, तो ये वाले जो आइटम्स है ओपन हो चुकी है। यहाँ से अगर हम इसी आइटम्स को वेरीफाई कर लें कि ये वाले जो आइटम्स है काफी टाइम जो है वो सोल्ड हो चुकी है, इसके ऊपर वाचर भी अवेलेबल है, फ्री यहाँ से डिलीवरी दे रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से यही आइटम्स को अमेजोन के ऊपर भी देख लें, अगर हम यहाँ से अमेजोन से इस वाली इमेज को वेरीफाई कर लें और उसके बाद यहाँ से वेरीफाई कर लें, तो 100% जो आइटम्स है वो सेम है। अगर हम यहाँ पे आए हैं, हमारा जो क्राइटेरिया होगा उसको हम देख लें कि ये वाला जो बंदा फ्री डिलीवरी दे रहा है और 22 पॉइंट समथिंग की इन्होंने लिस्ट की है, और उसके बाद हमें पैकेजिंग का बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा। सेलर खुद इसको पिक एंड पैक करके डायरेक्ट कस्टमर तक डिलीवर करेगा। और उसके बाद अगर हम नीचे आए तो इसके ऊपर तकरीबन मी टू भी अवेलेबल हैं, जो कि डिफरेंट प्राइसेस के साथ सेल कर रहे हैं। 30 की सेल कर रहा है, 33 की सेल कर रहा है, इवन कि यहाँ पे 40 की भी सेल कर रहा है, प्लस यहाँ पे ये डिलीवरी भी चार्ज कर रहा है। अमेज़न हमारा सोर्स होगा और ये वाला बंदा यहाँ पे 30.70 की लिस्ट की हुई है इसमें, और अच्छे फीडबैक इसके ऊपर अवेलेबल है। तो यही बंदा जो है 32.91 की ये जो है वो सोल्ड कर रहा है। अगर हम यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लें कि एक आइटम हमें 22 की मिल रही है, 22.15 की आइटम जो है वो हमें कॉस्ट करेगी। ये वाले जो सेलर है, एक ही सेलर ने डिफरेंट प्राइसेस के साथ ये वाली आइटम जो है वो लिस्ट की है, हमने इसको कम्पीट करना है। तो यहाँ पे हमारी जो प्राइस होगी वो 29 पॉइंट समथिंग होगी, अगर हम लेट अज्यूम 29.85 इसकी प्राइस रखें। तो अगर हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक यूनिट सोल्ड करने के बाद हमें हमारी जो ईबे की फी होगी वो 3.74 होगी, और प्रॉफिट होने के जो चांसेस हैं वो तकरीबन 3.94 होगा एक यूनिट सोल्ड करने के बाद। तो मैं यहाँ से हमेशा से आपको रिकमेंड करता हूँ कि स्टार्ट में आप $2 लें या 3 लें, लेकिन स्टार्ट में आपने अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। तो अगर हम यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करें, ये वाले जो आइटम्स है, अगर हम यहाँ से इस वाली आइटम्स को सबसे पहले ईबे के ऊपर ओपन कर लें, और उसके बाद यही आइटम्स को अगर हम यहाँ पे ईबे के ऊपर ओपन कर लें कि ये वाली आइटम्स ईबे के ऊपर अवेलेबल है या नहीं, तो इट मींस कि ये वाली जो आइटम्स है तकरीबन 10 लिस्टिंग इसकी अवेलेबल है। तो यहाँ से हम इसको व्यू एज अ लिस्ट के फॉर्म में कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ से इस वाली को भी देख लेते हैं, ये वाली आइटम्स अवेलेबल है या नहीं। इट मींस कि ये वाली आइटम जो है वो 6 इसकी लिस्टिंग अवेलेबल है। इन्हीं को हम जो है अमेजोन के ऊपर भी देख लेते हैं कि ये वाली आइटम्स हमें ईबे के ऊपर अवेलेबल हैं। अब हम इन्हीं को अमेजोन के ऊपर भी जो है वो सर्च करना चाह रहे हैं। ये होगा हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का मेथड कि हमने टूल्स का यूज़ करके किस तरह से अपनी जो आइटम्स है उसको हंट करना है। ये वाली आइटम्स भी अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे आएँ तो ये वाली आइटम्स भी अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप चाह रहे हैं कि ये वाली आइटम आपके लिए वायबल है, तो आपने इसको लिस्ट किस तरह से करना है, आपने यहाँ पे अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज करके यहाँ पे आपने अपना टाइटल लिख लेना है, और उसके बाद सारी जो इमेजेस होंगी आपने यहाँ से 1 by 1 डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद ईच एंड एवरीथिंग आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। यहाँ से आपने जो भी डिस्क्रिप्शंस होगी वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। डिस्क्रिप्शंस ऐड करने के बाद, सारी डिस्क्रिप्शंस ऐड करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आके आपने लिस्ट विद डिस्प्ले फीस के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपने शॉप आई नहीं की तो आपको 0.36 पेंस देने पड़ेंगे। ये उनके लिए है जिनका बिजनेस अकाउंट है, जिनका पर्सनल अकाउंट है टोटली फ्री है, पर्सनल अकाउंट के ऊपर कोई भी इंसर्शन फीस नहीं होगी। आई होप कि ये वाली वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।